वेलकम एवरीबॉडी टू आवर चैनल और मैं हूं आपके साथ गौरव। पर सबसे पहले तो जाके इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने के लिए, तो लाइक करना तो यार बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉप 5 ओपन वर्ल्ड गेम्स फॉर योर लो एंड PC। मतलब सही में यार इस वीडियो में मैंने जितने भी ओपन वर्ल्ड गेम को कवर किया है वो सारे के सारे आपके लो एंड PC में चल जाएंगे, और उनके जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको एकदम हाई क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। मतलब मैंने ग्राफिक्स के साथ यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और आप इन सभी गेम को लो टू मीडियम सेटिंग्स प्ले कर सकते हो अपने लो एंड PC में। ये नहीं है कि आप 1080p पर इसे हाई सेटिंग्स पर प्ले कर पाओगे एक लो एंड PC में, बट आप इन सभी गेम को लो सेटिंग्स या फिर मीडियम सेटिंग्स तक खेल सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आप में से 96% बंदे ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस तो देखते हैं और वीडियोस देखना पसंद भी करते हैं, बट यार उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो गेम मैंने इस सीरीज़ में नंबर 5 पर रखा है वो है असैसिंस क्रीड 1। असैसिंस क्रीड का तो आपने यार नाम सुना ही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है इस सीरीज़ के, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पर हमें एंशियंट टाइम मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप कार नहीं चलाओगे बट घोड़ों को चलाओगे। और सही में यार असैसिंस क्रीड 1 आपके लो एंड PC में इजीली चल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आराम से चल जाएगा। मैंने भी इसे एक बार एक लो एंड PC में प्ले किया था, तो मैं इसे काफ़ी अच्छे से प्ले कर पा रहा था, और सही में यार मैं इस गेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था उस टाइम पर, क्योंकि ये उस टाइम पर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम भी हुआ करता था। सही में यार एक बार इस गेम को ज़रूर से ज़रूर प्ले कर देखना, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने इसकी थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी मतलब खेली थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे इसके मिशंस। तो आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार इसे ज़रूर प्ले करना। अगर आप फैन हो एक्शन के, एडवेंचर के, तो आप यार जस्ट कॉज 2 को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको एक्शन चाहिए गेम के अंदर तो, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा एक्शन मुझे इसी गेम के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो जस्ट कॉज 1 था उससे भी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसके अंदर जो व्हीकल्स हैं ना यार वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स इस गेम के अंदर हैं ना सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। मतलब अगर आप GTA 5 से कंपेयर करोगे ना, तो GTA 5 के थोड़े से, मतलब मैं कहूँगा थोड़े से कम व्हीकल हैं, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्हीकल और मॉडर्न व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये गेम मेरा फेवरेट है, और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो इसका गेम प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। अगर आप मेरी तरह GTA के बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाले फ़ैन हो, और आप GTA 5 जैसा कोई गेम अपने लो एंड PC में ट्राई करना चाहते हो, तो आप स्लीपिंग डॉग्स को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मे भी थोड़ा सा रिलेट भी करता है ये गेम एज अ GTA। तो यहाँ पर आपको एकदम आप पुलिस ऑफिसर की तरह भी खेल पाओगे और एज अ गैंगस्टर भी खेल पाओगे, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, क्योंकि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो पुलिस ऑफिसर भी है और एक गैंगस्टर भी है। तो सही में यार इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और अच्छे हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार इस गेम को ज़रूर ट्राई करो। अगर बात चल रही हो ओपन वर्ल्ड गेम्स की, और वो भी लो एंड PC के लिए, तो हम GTA 4 को तो यार बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि GTA गेम्स बहुत ज़्यादा तबाहीदार होते हैं। अब भले ही इस गेम की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ये लो एंड PCs में अच्छे से वर्क कर जाता है। 720p पर मैंने इसे खेला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे तो देखने को मिला था अपने लो एंड PC में। तो आपको भी मे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस गेम का, क्योंकि ये गेम सही में यार चल सकता है, मतलब चल जाता है लो एंड PCs में, बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और मुझे भी चलाने के लिए काफ़ी सारे जुगाड़ लगाने पड़े थे। तो ये यार इसकी थोड़ी सी एक माइनस पॉइंट कह सकते हो, बट ओवरऑल ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप जानते होंगे यार GTA 4 की जो फिज़िक्स है, वेल नोन गेम है फॉर इट्स फिज़िक्स, तो आप एक बार इसे ज़रूर प्ले करना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा।
अब बारी आती है सीरीज के नंबर वन गेम की, और नंबर वन पर मैंने रखा है फार क्राई 3 को। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने नाम सुना होगा इस गेम का, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है यार, सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। अगर आप खेलना चाहते हो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग सा गेम, मतलब इसमें आपको थ्रिल मिले और ओपन वर्ल्ड हो और FPP हो, तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसमें तो आपको वेपन व्हील्स और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सही में ये जब लॉन्च हुआ था ना, वो टाइम भी GTA 5 के बहुत ही ज़्यादा आसपास का टाइम था। मतलब इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको भले ही गूगल पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बट फिर भी ये गेम लो एंड PCs में भाई चल जाता है। सही में यार, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है एक लो एंड PC में, तो मेरे लो एंड PC में तो यार ये इजीली चल गया था, और आपके PC में भी ज़रूर चलेगा। और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला था, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस गेम को एक बार तो यार ज़रूर खेलना अपनी लाइफ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है, और सही में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो बस यार, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।